Da-da. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum amazing people? I hope you all are doing well. Aaj hum log aaye hain dinner ke liye Ehbab restaurant. By the way, aaj hum dinner par ek aur couple ke sath aaye hain. Wo hai meri bachpan ki dost Utsia. और उसी और उसके हस्बैंड भी आज हमें ज्वाइन करेंगे, तो इंशाल्लाह एक छोटा सा व्लॉग बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि अहबाब का हमारा सेकंड एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपके पास जिंजर प्रॉन्स आई थिंक देखना था थोड़ा प्रॉन्स में ये तो करी है एक्चुअली ग्रेवी है मैडम ये सब ये क्या है अपोलो फिश मुझे थोड़ी मसाले वाली डाली आप जी नहीं बाबा कल कम से कम मुझे एक हफ्ता लगता क्या रहता उसका वॉइस ओवर रहता उसमें एडिटिंग रहती इफेक्ट्स रहते बहुत मतलब आप सोचो एक डेढ़ दो घंटे की क्लिप्स को आप 10-15 मिनट में आपको करना है तो कितना काम करना पड़ता है हाँ ज़ाफ़रानी टेस्ट आ रहा है अच्छे से खाए बेटा हैंड वॉश कर लिए गोल गोल घूम रहा हूँ गोल नहीं यार बीच में अच्छा था मतलब सो गया था तो आप खेल जाएंगे सो तीन भी आ रही है तीन आ रही कहाँ पिला रहे भाई चाय वहाँ चाय पीने जा रहे हैं इरफान साहब जो है आज चाय पिलाने ले जा रहे हैं लेट्स गो कहाँ जा रहे हैं चाय पिलाने इरफान भाई कहाँ ले जा रहे हो पिस्ता हाउस साफरानी चाय घर शाली पंडा टोली चौक टोली चौक चलिए चलते हैं फिर मिलेंगे चाय पीते हुए बेहतरीन से डिनर करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग चाय पीने जाएंगे टोली चौकी एंड वी थॉट कि हम लोग साथ में एक ही कार में चलते हैं तो लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी अरे भाई
देख के तो भी दे रहे हैं भाई पार्सल तो एक हो गया चीफ अपने चार हाँ हो गया हाउ डू यू कैरी इट ले लो हमारे में चाय हम में चाय चाय से पहले चाय चाय के बाद चाय आइए पीते हैं चाय सही जज्बा बता दिया आप चाय का लीजिए टी लवर्स के लिए स्पेशल वो शेर दोहरा दीजिए आप जरा सुनिए आइए पीते हैं चाय खुशी में चाय गम में चाय चाय से पहले चाय चाय के बाद चाय चाय से पहले चाय चाय के बाद चाय खुशी में चाय गम में चाय चाय से पहले चाय चाय के बाद चाय हाई फाइव हाई फाइव ईरानी चाय के साथ उस्मानिया बिस्किट का बेस्ट कॉम्बिनेशन है तो जब भी आप चाय पिए नेवर मिस इट बहुत सारा अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम लोग जा रहे थे घर पर ज़ेन सो गए थे तो इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए खुदा हाफिज़